नमस्कार, ये है स्पोर्ट्स की बात। मैं हूं तुषार उप्रेती। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दूसरे दिन कॉमनवेल्थ में होने वाले मैचेस और शेड्यूल के बारे में। पहला मिला जुला दिन बीतने के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि दूसरा दिन भारत के पक्ष में बेहद अच्छा रहेगा। तो एक नज़र डालते हैं जल्दी से शेड्यूल पे। आज भारत का वेटलिफ्टिंग का मुकाबला होना और सबसे पहले नजर रहेगी मेंस 15 केजी कैटेगरी में संकेत महादेव पर, जिनका मुकाबला दिन में 1:30 बजे शुरू होगा। ये भारतीय समयानुसार मैं आपको बताते जाऊंगा। दूसरा 61 किलोग्राम वर्ग में गुरु राजा का 4:15 पर मुकाबला शुरू होगा। इतना ही नहीं, सारा देश जिनसे उम्मीदें लगा रहा है, मीराबाई चानू का मुकाबला रात को 8 बजे खेला जाएगा। वो 49 केजी वर्ग किलोग्राम में शिरकत करेंगी। वहीं दूसरी ओर वेटलिफ्टिंग के मुकाबले में 55 किलोग्राम में बिंद्रयानी देवी सुबह के समय शिरकत करती हुई नजर आएंगी। वहीं टेबल टेनिस में वुमेन टीम ग्रुप डो का मुकाबला इंडिया वर्सेस गुआना के बीच 2 बजे दिन में खेला जाएगा। वहीं मेंस टीम ग्रुप 3 के मुकाबले में इंडिया वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ 4:30 बजे शाम को मुकाबला खेलेगी। आज स्क्वैश के मुकाबले भी खेले जाने हैं और मेन सिंगल के राउंड ऑफ 32 में रमित टंडन वर्सेस क्रिस्टोफर बिनी, जमैका के ये खिलाड़ी हैं, 5 बजे मुकाबला खेला जाएगा। वुमेन सिंगल में राउंड ऑफ 32 में जोशनुआ चिनप्पा वर्सेस मेगन बेस्ट का, बारबाडोस की खिलाड़ी हैं, 5:45 पे मुकाबला खेला जाएगा। वहीं वुमेन सिंगल राउंड ऑफ 32 में सुनैना कुरुविला वर्सेज आइफा अजमान, मलेशिया की खिलाड़ी के साथ 5:45 पे मुकाबला खेला जाएगा। मेन सिंगल राउंड ऑफ 32 में सौरभ घोषाल का शामिल वकील के साथ श्रीलंका के खिलाड़ी के साथ 6:15 पर मुकाबला होगा। वही एक तरफ लॉन बॉल के मुकाबलों पर डाल ले तो मेंस ट्रिपल सेक्शन ए इंडिया वर्सेस माल्टा दिन में 1 बजे खेला जाएगा। वुमेन सिंगल सेक्शन बी तानिया चौधरी वर्सेस लॉरा डेनियल्स 1 बजे दिन में मुकाबला होगा। मेंस पेयर सेक्शन सी में इंडिया वर्सेस कुक आइलैंड का मुकाबला शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। वहीं वुमेन्स फोर्स में सेक्शन डी में इंडिया वर्सेस कनाडा में 10:30 बजे रात को मुकाबला खेला जाएगा। इतना ही नहीं, हॉकी के मुकाबले में भी वुमेन्स पूल ए में इंडिया वर्सेस वेल्स का मुकाबला रात को 11:30 बजे खेला जाएगा। जिस खेल से सबसे ज्यादा लोग उम्मीद कर रहे हैं वो है बॉक्सिंग। तो मेंस 57 किलोग्राम राउंड ऑफ 32 में मोहम्मद हुसामुद्दीन का मुकाबला होगा अमजोली दाई के साथ, जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, शाम को 5:00 बजे। वहीं ओलंपिक मेडलिस्ट 70 किलोग्राम में राउंड ऑफ 16 में लवलीना बोरगोहेन शिरकत करती हुई नजर आएंगी न्यूजीलैंड की खिलाड़ी के साथ, आयरीना निकोलसन के साथ, 12:31 AM पे। इतना ही नहीं, 92 केजी किलोग्राम में संजीत कुमार वर्सेस अल्टो लियू समोआ के खिलाड़ी हैं, 1 बजे रात को मुकाबला खेला जाएगा। अब नजर बैडमिंटन के मुकाबलों पर। मिक्स टीम ग्रुप ए में इंडिया वर्सेस श्रीलंका 1:30 बजे खेला जाएगा। वहीं मिक्स टीम ग्रुप ए में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रात को 11:30 बजे खेला जाएगा। वहीं एथलेटिक्स की अगर बात करें तो मेंस मैराथन फाइनल में नितेंद्र रावत 1:30 बजे शिरकत करते हुए नजर आएंगे। स्विमिंग की बात करें तो मेंस 200 फ्रीस्टाइल हीट्स में कुशाग्र रावत दिन में 3 बजे नजर आएंगे। उनके साथ ही 50 मीटर बटरफ्लाई फाइनल में सजन प्रकाश अगर क्वालिफाई होते हैं तो 11:37 रात को मुकाबला खेला जाएगा। वहीं 200 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल में कुशाग्र रावत अगर वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो रात को 12:13 पे मुकाबला खेला जाएगा। जुलाई 31 हो जाएगा तब। मेंस 100 मीटर बैकस्ट्रोक में के फाइनल में श्रीराज नटराज क्वालिफिकेशन पर निर्भर करता है, 1:35 पे मुकाबला खेला जाएगा। वहीं जिमनास्टिक टीम की बात करें तो वुमेन्स टीम फाइनल एंड इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन में प्रणति नायक, ऋतुराज नटराज और प्रोहिता समांता 9:00 बजे रात को मुकाबला खेलेंगे। दूसरे दिन सबसे ज्यादा मुकाबले साइकिलिंग में भी देखने को मिलेंगे। क्वालिफाइंग वुमेन स्प्रिंट में त्रियांशु पाल मयूरी लूते 2:35 पे, क्वालिफाइंग वुमेन 3000 इंडिविजुअल परसूट में मीनाक्षी 3:11 पे और 1/8 फाइनल वुमेन स्प्रिंट में अगर क्वालिफाई होते हैं तो 4:00
3 मिनट पे मुकाबला खेला जाएगा। वहीं क्वार्टर फाइनल वुमेन स्प्रिंट्स के जो है वो 4:36 पे खेला जाएगा। वहीं पे क्वालिफाइंग मेंस के 4000 इंडिविजुअल परसूट में विश्वजीत सिंह दिनेश कुमार 4:52 पे मुकाबला खेलने के लिए आएंगे। फर्स्ट राउंड मेंस केरेन में रोनाल्डो सिंह इसबो एल्बन 8:32 पे मुकाबला खेलेंगे। वहीं सेमीफाइनल्स में वुमेन स्प्रिंट इफ क्वालिफाइज 8:52 पे मुकाबला खेलेंगे। इसका बहुत कुछ निर्भर करता है क्वालिफिकेशन पे, और भी मुकाबलों का समय उस हिसाब से निर्धारित होगा।